26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर अब पप्पू यादव का आ गया बड़ा बयान। नमस्कार, न्यूज पोनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज से हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसको लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है, तो अब वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी गिरिराज सिंह पर निशाना साधा है और गिरिराज सिंह को हिदायत दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भागलपुर से अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा के पहले चरण में वो मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र के कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिलों का दौरा करेंगे। गिरिराज सिंह ने सभी दलों और संगठनों के हिंदुओं से उनकी यात्रा में शामिल होने की अपील की है। इस यात्रा को लेकर सीमांचल में सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां जेडीयू ने इस पर आपत्ति जताई है, वहीं सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को चेतावनी दे दी है। बता दें कि गिरिराज सिंह गुरुवार शाम को ही भागलपुर पहुंच गए थे। उन्होंने सभी दलों बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी के हिंदुओं से अपनी यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। गिरिराज सिंह की इस यात्रा से सीमांचल का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस यात्रा पर आपत्ति जताई है। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोसी और सीमांचल का अमन एवं सौदाहन बिगाड़ने की कोशिश की गई तो गिरिराज को उनकी लाश से होकर गुजरना होगा। गिरिराज सिंह की इस यात्रा से उनकी अपनी पार्टी बीजेपी ने भी दूरी बना ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि उनकी निजी यात्रा है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा कि अगर पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता यात्रा में शामिल होता है तो कोई रोक टोक नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के कई नेताओं ने इस यात्रा का विरोध किया है और सीमांचल में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका जताई है। वहीं गिरिराज सिंह ने गुरुवार को कहा है कि ये बीजेपी या जेडीयू या किसी पार्टी की यात्रा नहीं है, वो हिंदू बनकर जा रहे हैं। इसके जरिए वो हिंदुओं को जागृत करके एकजुट करेंगे। भागलपुर स्थित सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि खास करके बिहार में जनसांख्यिकी बदल रही है। 1951 के बाद जो स्थिति थी उसके अनुसार भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया जैसे जिलों में हिंदुओं की आबादी गिरती जा रही है। उन्होंने दावा किया कि देश के 400 जिलों के 1600 जगहों पर एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ी है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि जब तक उनके शरीर में खून है ये यात्रा निकाल कर रहेगी। देखिए, जहां एक तरफ गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर बिहार में बवाल मच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी गिरिराज सिंह को चेतावनी दे दी है। साथ ही पप्पू यादव का ये कहना है कि अगर कोसी सीमांचल का भाईचारा या सौदाहन बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो गिरिराज सिंह को मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फोनेशन।